कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी है। अब मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए जाने की बात सामने आई है, जिससे हड़कंप मच गया है। दरअसल नवादा के अकबरपुर प्रखंड के फतेहपुर पंचायत स्थित राजहट में पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की मौत के बाद ये बात सामने आई है। राजहट गाँव के विभिन्न इलाकों में मुर्गी की जाँच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। साथ ही नवादा के नगर परिषद कार्यालय के पास आधा दर्जन साइबेरियन पक्षी मृत पाए गए। लोगों द्वारा साइबेरियन पक्षी के अचानक मरने पर बर्ड फ्लू होने की ही आशंका जताई जा रही है। आज हम लोग अपने कार्यालय आए थे तो जैसा कि हमने देखा कि ऊपर तो देखे कि मेरे कार्यालय के ऊपर पेड़ में बहुत सारे मरे हुए पक्षी लटके हुए हैं। और जैसा कि हमको जानकारी भी मिला कि अकबरपुर में भी बर्ड फ्लू का चला हुआ है और वहाँ भी पक्षी का मरना चालू हो गया है। और आज हमारे कर्मचारी भी बोल रहे हैं कि हम दो दिन पहले मैडम भीगे भी दो चार इस तरह से पक्षियों का मरना शुरू हो गया है, तो इस पर कार्रवाई किया जाए और पशुपालन ये का विभाग का जाँच में लगाया जाए। वहीं जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर तरुण कुमार उपाध्याय ने बताया है कि संक्रमित पक्षी के संपर्क में आने के बाद ये रोग मनुष्य में भी फैल जाता है। जिले का यह पहला गांव है जहां मुर्गी में बर्ड फ्लू पाया गया है। इस मामले के बाद जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने खुद इलाके का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि बर्ड फ्लू का फैलाव दूसरे शहरों या अन्य क्षेत्रों में नहीं हो, इसके लिए तुरंत सैनिटाइजेशन का काम शुरू करने के आदेश दिए हैं। वहीं पटना से एक टीम नवादा बर्ड फ्लू की जांच करने पहुंच गई है और किलिंग ऑपरेशन पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इलाके के आसपास मुर्गी, अंडा, उसके चारे की बिक्री पर भी प्रतिबंध का आदेश जारी हो चुका है। नवादा से अमन सिन्हा की रिपोर्ट।